राजनीति में अपना उल्लू साधने के लिए कई मौका परस्त स्तरहीन कृत भी किए जाते हैं। हिमाचल के मंत्री के खिलाफ जारी पत्र बम शिकायतकर्ता की संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये बात भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे व्यक्ति पर निशाना साध रहे हैं जो व्यक्ति लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हो। उन्होंने कहा कि सोलन के नेता के बढ़ते कद को देखते हुए उसे क्षति पहुंचाने की मंशा से इस काम को किया गया है, लेकिन पाक साफ छवि के नेता को इन आधारहीन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भाजपा नेता राजेश कश्यप ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि संकुचित मानसिकता रखने वाले किसी डरपोक व्यक्ति ने उनके नेता के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि उनके नेता बेहद दयालु और बेदाग छवि के नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं और केवल जनता की भलाई के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये खेल खेला गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से पत्र के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। खेद की बात है कि कुछ अज्ञात लोग और कुछ ऐसे शरारती तत्व जो समाज में अच्छे लोगों को रहने देने ही देना चाहते और अच्छी छवि के लोगों को जो है वो भ्रष्ट बताकर अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, ऐसे कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व आज सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो यहाँ से मंत्री है माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, उनका चरित्रहरण करने पे जो है उन्होंने कुछ इस तरह की टिप्पणी की है। और हम अपनी ओर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी सोलन की ओर से इसकी पूरी पूरी जो है भर्त्सना करते हैं, इसका हम पूरा इसको अपोज करते हैं कि इस तरह का जो है चरित्रहरण जो है एक समाज में एक जो है गलत प्रथा है। सोशल मीडिया पे इस तरह का बयान करना और सोशल मीडिया पे किसी नेता का इस तरह का चरित्रहरण करना एक बहुत ही घिनौना एक अपराध है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि आईटी के जो एक्ट है हमारा उसकी धारा 67 के तहत ऐसे लोगों पे जो है वो उस पर एक्शन होना चाहिए और इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करके जो भी लोग व्हाट्सएप पे जो है और अपने फेसबुक के ऊपर ट्विटर के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो है सलाखों के पीछे जो है भेजना चाहिए। और एक ऐसे व्यक्ति का चित्रहरण कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सरल है और सरल स्वभाव के हैं, जिनको जो है बिल्कुल अपने आप को जो जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा आदमी जो अपने आप को अपना एड्रेस भी नहीं बता रहा है और गोल गोल बात करके जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। अगर किसी में गट्स है, अगर कोई किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई किसी तरह का प्रूफ है, तो वो सामने आकर के जो है ऐसी बात कहे। अगर किसी के पास कोई सबूत नहीं है तो मनगढ़ंत बात जो है वो बना करके और किसी एक कोई कोई लीगल किसी से एडवाइस लेकर के इस तरह का जो है पत्र लिख करके उसको सोशल मीडिया पे जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी जो है कोई भी जो पोस्ट आती है उसको फॉरवर्ड करना जो है वो भी एक उसका अपराध है। अगर आप आईटी एक्ट की जो है धारा 67 को पढ़े तो उसमें एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कुछ भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले जो है वो सोशल मीडिया या फेसबुक पे पढ़नी अति आवश्यक है। सरकार से और माननीय ठाकुर जयराम जी से आग्रह करते हैं कि इसको जो है गंभीरता से लेकर के और इस पे जो है पूरी कार्रवाई जो है जैसे पहले भी कार्रवाई हुई है उस तरह की कार्रवाई जो है इस बार भी जो है ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए।